हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस का सेट गिवन है, ठीक है, जो कि एक्स वाई और जेड के फॉर्म में है। और ये इक्वेशन हमारे पास में क्या है, नॉन होमोजीनियस है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं है। दैट मीन्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा गया द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल नल स्पेस एंड द सिस्टम एडमिट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसमें ए और बी हमारे पास में अननोन्स है। ए और बी अननोन्स है, उनकी वैल्यूज हम क्या पुट करेंगे जिससे कि हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अटेन कर ले। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर करेंगे क्या, हम एक्लियन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रैंक मेथड से प्रिडिक्ट करते हैं कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट शुड बी लेस देन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास 3 है। दैट मीन्स एक्स वाई एंड जेड, 3 हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होना चाहिए, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बराबर होना चाहिए, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। दैट मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो उससे कम कितना ही होगा, रैंक 2 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्लियन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग रैंक मेथड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको लिख देता हूं। तो हमारे पास में जो पहला एलिमेंट है वो है 1 2 1 5, देन 2 8 4 एंड देन 12 एंड देन 2 4 6 एंड बी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, तो वहां पर हमें कुछ करना नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस ए वाले पार्ट को नीचे लेके आ जाता हूँ। क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में क्या है, 1 2 1 5, हम कर क्या रहे हैं, हम रो 2 को रो 3 के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 a 4 12, 2 4 6 एंड b, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 हमारे पास में एग्जिस्टेड है, हम उसके नीचे के एलिमेंट्स को, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे रो ऑपरेशंस की मदद से, ठीक है। एक्लियन फॉर्म में यही तो करते हैं हम ऑलरेडी। आप लोगों ने अगर हमारे प्लेस में जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को बताया, वहां पर आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक्लियन फॉर्म में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाते हैं, यहां पर ऑलरेडी 1 है, तो हम उसके नीचे के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस का हेल्प लेंगे और 0 बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, रो 2 गोज टू आर 2 माइनस 2 आर 1 एंड आर 3 गोज टू आर 3 माइनस 2 आर 1, ठीक है, आर 1 ही हो गया। यहां तक दिक्कत कुछ भी नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जस्ट रो ऑपरेशन को लगा लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ठीक। चलिए, तो क्या आएगा हमारे पास में, यहां पर बताइए, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1 0 0, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि रो 1 में हमने तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है, रो 2 और रो 3 में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को हम लोग चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा बताइए, तो 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा यहाँ तो, 6 माइनस 2 विच इज 4, b माइनस 10, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस 10, ठीक है। यहाँ पर आएगा a माइनस 4, यहाँ पर आ रहा है 4 माइनस 2 विच इज 2,
12 माइनस 10 विच इज 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जस्ट ऑपरेशन लगाया, रो टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन एंड रो थ्री गोज टू आर थ्री माइनस टू आर वन, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो हमारे पास में ऑलरेडी जीरो बन चुका है, यहां पर हम जीरो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे एक अननोन टर्म है ए, तो हम ये वाले एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा कर दूं, सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस, या फिर मैं अगर ऐसा कर लूं, पहले रो टू को मैं टू से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं रो टू को टू से डिवाइड कर देता हूं, आर टू डिवाइडेड बाय टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगा बताइए, हमारे पास में आएगा वन टू वन एंड फाइव, यहाँ पर आएगा जीरो जीरो टू, हमने क्यों डिवाइड कर दिया बताइए मुझे, जिससे कि हमारे पास में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम हो जाए और हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में जीरो बन जाए, यही कर रहा है ना, ठीक है। चलिए तो क्या आएगा हमारे पास में बताइए, यहाँ पर आएगा जीरो, यहाँ पर ए माइनस फोर, यहाँ पर टू, और यहाँ पर टू तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब अपन क्या ऑपरेशन लगाएंगे जो कि हमारे पास में ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाए, क्या ऑपरेशन लगाएंगे बताइए मुझे, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे भैया, इतना सिंपल है, आर थ्री माइनस आर टू कर देंगे, जीरो बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर टू, ठीक करेंगे, तो हमारे पास मैं यहां पे लिख देता हूं जो हमारे पास मैं, या तो फिर इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, वन जीरो जीरो टू वन फाइव, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में जीरो टू बी माइनस टेन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए माइनस फोर माइनस जीरो, कितना आ जाएगा ए माइनस फोर ही जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा एलिमेंट, आर थ्री माइनस आर टू करना था ना, तो आर थ्री माइनस आर टू करेंगे, तो आर थ्री हमारे पास में था टू, सॉरी टू माइनस आर टू करेंगे तो ये आएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, चार माइनस बीस और प्लस यहाँ पर दस, ठीक है, यहाँ पर टू, तो कितना आ जाएगा बी फोर्टीन माइनस बी अपॉन टू, यही आएगा ना, फोर्टीन माइनस बी अपॉन टू, ये आ जाएगा फोर्टीन माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये वाला है, इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, हमें कंडीशन क्या थी हमारे पास में, मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आना चाहिए था, टू, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी टू आना चाहिए था, विच शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो कि हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, थ्री एक्स वाई एंड जेड, तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना आना चाहिए, टू, तो हमारे पास में रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स टू कब आएगा, जब हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तभी होगा हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक टू, दैट मींस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एक और दो, तभी होगा जब हमारे पास में ए माइनस फोर विल बी इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा, ये पूरा वाला मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका रैंक टू कब होगा, जब हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने होंगे, टू, ठीक है, जब हमारे पास में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, ये वाला तो ऑलरेडी हमने देख लिया था जीरो है, जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अपन जीरो कर रहे थे तब, तो जब हमारे पास में ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला, तब हमारे पास में क्या होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी टू हो जाएगा, ठीक है, तो अपन इसको भी जीरो कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में फोर्टीन माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में बी इक्वल टू फोर्टीन, दैट मीन्स ए की वैल्यू फोर और बी की वैल्यू फोर्टीन के लिए हमारे पास में हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमारे पास में ए की वैल्यू फोर और बी की वैल्यू फोर्टीन हो जाएगी, इन दैट केस वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है बताइए मुझे, ऑप्शन
डी दैट इज ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने इसको डिटेल्ड वे में आपको एक्लियन फॉर्म का यूज करके आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया। दैट्स वाई यहाँ पर टाइम आपको लग रहा होगा 8 to 10 minutes लग रहा होगा, बट अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ये सारे जो रो ऑपरेशन हैं इनको मैं बिल्कुल नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगा के लिख देता। ठीक है, इतने सारे मैं आपको डिटेल में समझाता भी नहीं, मैं उस एग्जाम में अगर लिखना होता मुझे तो मैं 2-3 मिनट में इसको कर सकता था। ठीक है, तो एग्जाम में आपको भी ऐसे ही करना है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। द मोर यू प्रैक्टिस उतना कम टाइम लगेगा आपको। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, गेट 2024 में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स इन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज 0.5। तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास में गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है 0.5। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है 0.1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर आर ट्रू, और ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। दैट मींस एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। तो हम जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है, आई होप आप लोगों को ये वाला फार्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास में क्या गिवन है 0.3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास में क्या गिवन है 0.5, और हमारे पास में इंटरसेक्शन ए और बी का क्या गिवन है 0.1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट है। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन ए सी और डी इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन और करेक्ट हो सकता है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक, ऑप्शन ए को चेक करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का आइडिया होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है। अगर आप लोगों ने हमारा प्लेलिस्ट एक बार भी देखा होगा, जो मैंने प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था 2023 का या फिर 2022 का या फिर 21 का या फिर 20 का, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से रिजल्ट्स होते हैं। तो ये वन ऑफ द रिजल्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये होल्ड होना चाहिए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 0.1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 0.3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 0.5। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। दैट मींस ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट वन। ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि इक्वल नहीं हो रहा है। दैट मींस वी कैन से दैट ए एंड बी बोथ द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, जो कि बहुत ही शानदार एकदम मस्त तरीके से फ्रेम किया गया, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अगर आपने मेरा रिविजन वाला लेक्चर देखा होगा जो मैंने 21 में और 2022 में अपलोड किया था रिविजन के लिए, तो उसमें मैंने ये जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है इनको एकदम डिटेल्ड वे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। बट फिर भी मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन अभी करने वाला हूँ, बट अगर आपको कोई डाउट होता है आप एक बार वो वाला रिविजन वाला सीरीज आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया और बी के लिए हमने एक बी इवेंट के लिए एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, और पूरा सेट बना दिया एक, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये हमारे पास में ए है, ये बी है, अगर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0.2 है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का निगेशन, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी का निगेशन करेंगे, दैट मीन्स बी के आउटसाइड, बी का निगेशन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, निगेशन ऑफ बी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब क्या है, दैट मीन्स वी हैव टू गो आउटसाइड बी, तो आउटसाइड बी और ए के साथ में जो कॉमन हो, आउटसाइड इवेंट बी एंड ए के साथ में कॉमन हो, कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा भैया। एक बार आप सोच के देखिए, ए इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ बी कैसे हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के लिए सबसे पहले निगेशन कर दीजिए बी का, तो बी का जैसे निगेशन करेंगे, क्या मतलब है निगेशन का, दैट इज आउटसाइड इवेंट बी, जो बी का वेन डायग्राम है उसके आउटसाइड चाहिए, और ए के साथ में कॉमन क्या है, तो यही वाला कॉमन है जो मैंने अभी शेड किया रेड से, ठीक है, करेक्ट है। तो क्या मैं इस वाले पार्ट को जो मैंने अभी ये शेडेड किया है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो शेडेड वाला पोर्शन है वो यही पोर्शन है, दैट मीन्स एक इवेंट डायग्राम में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो मैं इसी वाले पार्ट को यहां पर लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.2 है या नहीं है चेक करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था भैया बताइए 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी कितना था 0.1 जो कि हमारे पास में 0.2 के साथ में इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑप्शन डी के तरफ, ठीक है, तो ऑप्शन डी के तरफ अगर मैं बात करूं तो एक बार इसको गौर से देखिए, ऑप्शन डी में क्या बोला गया, ऑप्शन डी में हमारे पास में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बोला गया। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और उसका होल का निगेशन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं पूरे होल का निगेशन कर रहा हूं तो ये जो हमारे पास बीच का साइन है वो इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाएगा और हमारे पास में दोनों पे निगेशन आ जाएगा, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने की बात करूं इस वाले पार्ट को, ये क्या क्या पार्ट आएगा हमारे पास में, दैट मींस ए यूनियन बी, अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो वो क्या आएगा, ये आएगा और उसके ऊपर होल का निगेशन है, दैट मींस ए यूनियन बी जो अभी हमने किया है उसको छोड़ के पूरे सेट को, तो ये वाला पार्ट चाहिए हमें जो हम रेड कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड है, रेड वन इज द रिक्वायर्ड वन, रेड वन इज द रिक्वायर्ड वन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसको हम लिख क्या सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज वन टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन और ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास में, ए यूनियन बी कितना था 0.07 लिख दिया मैंने 0.7 विच इज नथिंग बट 0.3 आना चाहिए था इसकी वैल्यू, लेकिन यहां पर गिवन क्या है हमारे पास में 0.4, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। तो यहां पर हमने देखा कि ऑप्शन ए जो कि था इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर बात कर रहे थे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है बोल रहा था, बट वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, दैट्स वाई ऑप्शन ए वॉज इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी ए यूनियन बी के लिए पूछा गया था, तो हमने जनरल जो बेसिक फार्मूला होता है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमने वो लगाया और वहां से हमें ए यूनियन बी मिल गया। सिमिलरली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को हमने चेक किया, तो वहां पर ऑप्शन सी वॉज फाउंड टू बी करेक्ट,
while option B was found to be incorrect. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.